मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज रात 9 बजे मैथ प्लस रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, पहला 5 क्वेश्चन 1 से 5 तक, पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है, पाँचों 5 अलग चैप्टर से रहता है, और 2016 से लेकर के अभी तक के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन रहता है। आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक रीजनिंग का रहता है, वो भी 5 अलग चैप्टर से रहता है, वो भी 2016 से लेकर के अभी तक एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग रोज रात 9 बजे सिर्फ संडे को छोड़कर मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए। आप लोग समझिए ना, डेली मेरे साथ 10 चैप्टर सॉल्व कीजिए, 5 मैथ का और 5 रीजनिंग का। आइए आज का हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल साथ साथ खोल दिए जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक नल जो है 30 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा नल 45 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, देखिए इस सब सवाल को आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखा कीजिएगा, आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। एक नल 30 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा 45 मिनट में खाली कर सकता है, इसको आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो दोनों का ये निकाल लीजिए एलसीएम, एक नल 30 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा 45, दोनों का एलसीएम कितना, 45 और 30 का 90, कोई दिक्कत, 45 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 90। अब 30 दिया इसके सामने के, 30 दिया 90, अब 45 दूना 90, ठीक है, 30 दिया 90 हो जाएगा, 45 दूना 90, अब दोनों का काम करने का ये कितना आ गया, 1 और 2 का 3 5, यही 5 बोल रहा है, 5 मिल के मतलब ए और बी, एक पहला नल दूसरा मिल का आ गया 3 और 2 5, यही बोल रहा है 5 मिल के 90 काम करना है टोटल, एलसीएम निकालना 30 45 का 90, 90 काम को करना है, तो अब यही बोल रहा है ये 3 और 5 मिल के ये 90 काम को कितना टाइम में करेगा, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ये यही 5 मिल करके दोनों, यही 5 90 काम को कितना दिन में करेगा, 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 90 काम को इन दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, दोनों नल तो 3 2 5, और 90 को 5 से भाग दिया कितना हो जाएगा, 18 बार में कटेगा, 18 5 90, 18 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, 1 और 2 का काम है ना, डायरेक्ट आप इससे ही बना सकते हैं, ए बी बटे ए प्लस बी, ये भी फॉर्मूला से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहा है, ए बी बटे ए प्लस बी, ए कितना है 30 है, देखिए इस फॉर्मूला में भी रखते हैं 30, अब बी कितना है 45, ठीक है, बटे कितना है ए प्लस बी, अब 30 से 45 को जोड़िए कितना हो जाएगा 75। ठीक है, अब काटिए तो 15 से काटिए, ठीक है, 15 5 75, 15 2 9 30, और कट गया 5 से 5 9 45, और 9 को 2 से गुना कीजिए कितना आ गया 18। मतलब देखिए, इसको और भी एक तरीका है, ठीक है, बनाने का, एक तो आप ये तरीका से बना सकते हैं, एक ये तरीका है, ये सेकेंड तरीका है, ये सेकेंड तरीका हो गया बनाने का, कि जब 30 और 45 दो मिलके दोनों मिलके काम कर रहा है, डायरेक्ट ए बी बटे ए प्लस बी इसमें रख दीजिए, इसमें भी 18 आ गया, इसमें भी 18, और सारा भी तरीका है जो आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं। कितना आ गया, दोनों मिलके कितना दिन में खाली कर सकता है 18 मिनट, किस ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा 18 मिनट। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कितना, ब्रैकेट में 203 + 107 इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, और क्या है माइनस है 203 और -107 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर है का मान क्या है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, बोल रहा इसका मान क्या होगा, कैसे बनाइएगा इसको, अब देखिए तो क्या होगा इसमें, चलिए पूरा देखिए, आपको दिख रहा है कोई चीज़ का फॉर्म में नज़र आ रहा है आपको क्या, देखिए तुम इसको पूरा को आप ए मानिएगा, यदि ई पूरा को आप ए मानिएगा यदि, तो ए स्क्वायर, ये पूरा को यदि आप बी मानिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं आप बात को, ये पूरा को ए मान लिए, ये पूरा को बी मान लिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग भली भांति जानते होंगे कि क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई दिक्कत देखना रहता है किस फॉर्म में आ रहा है। देखिए तो ये पूरा को हम लोग ए मान लिए, इसको पूरा को बी मान लिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चलिए अब ए प्लस बी कीजिए, ए प्लस बी कीजिएगा, पूरा को ए माने हैं, इसको और इसको अब जोड़िए, इन दोनों को पूरा को जोड़िए, 203 + 107 जोड़ना है, बी को जोड़िए प्लस 203, अब प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -107, ए प्लस बी किए दोनों को जोड़े, अब देखिए तो ये प्लस और माइनस तो खत्म,
203 बच गया, कितना आ जाएगा 406 आ जाएगा। इसका मान कितना है 406। अब इनटू, अब इसका ए माइनस बी करना है, तो ए इज ये बी है, ए माइनस बी कीजिए 203 प्लस 107, अब माइनस कीजिएगा 203, अब बी को ए माइनस बी करना है। तो देखिए माइनस यहाँ है, माइनस और यहाँ भी है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 107। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी कीजिए, तो ए को पूरा ए इसको माने हैं, ए लिखे ठीक है, माइनस कीजिए ब्रैकेट के अंदर, एक स्टेप हम छुपा रहे हैं, ये ब्रैकेट कीजिए, देखिए आप आपको कर ही देते हैं ठीक है, यहाँ ब्रैकेट करते हैं, माइनस करना है ए माइनस बी करना है, माइनस है ये माइनस में है ठीक है। अब इसको ही कीजिएगा आप सोल्व, तो कितना आ गया 203 प्लस 107, अब माइनस, अब ब्रैकेट हटाइएगा तो 203, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 107, यही तो हम बता रहे थे पहले। अब देखिए तो ये प्लस ई माइनस कट जाएगा ठीक है, 203 कट जाएगा, 107 कितना हो जाएगा 214, कितना आ गया ए माइनस बी का 214। अब यही तो करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का मान आ गया 406, ए माइनस बी का मान आ गया 214, दोनों को गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा। अब 406 को 214 से गुना कीजिए, 6 को 24 के 4 हाथ में रहा 2 हो जाएगा, 4 को 16, फिर कीजिए 604, फिर कीजिए 6 × 12 के 2 हाथ मेरा 1, 6 × 8 हो गया सोल्व, कितना आ जाएगा इधर लिखते हैं 4 6 2 8, चलिए 6 2 8, और फिर क्या 4 2 6 और 8, इतना ही आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा इतना 86,884। किस ऑप्शन में है 86,884, बी नंबर ऑप्शन, दो नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। क्या किया देखिए, इतना का मान पूछा जा रहा था, हम लोग इसको ए मान लिए पूरे को, इसको बी मान लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी को सोल्व किए 406 आया, ए माइनस बी को सोल्व किए 214 आया, अब ए इंटू, अब दोनों को गुना कर दिए, ए प्लस बी का मान इतना आया, अब गुना में था ए माइनस बी का मान इतना आया, दोनों गुना कर दिए, आंसर कितना लग गया 86,884, दो नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3:1/2 / 2:3/3/4, इतना के अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, तीनों संख्या का औसत ही पूछा जा रहा है ठीक है, क्या होगा, तीन संख्या इतना अनुपात, इतना के अनुपात में दिया हुआ है, बोला जा रहा है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, तो तीनों संख्या का औसत क्या होगा। देखिए इसको पहले ये तो बटा के अनुपात में, बटा में है, इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले नीचे वाला सबका एलसीएम लीजिए, 2 और 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, चूँकि 2 और 4 का एलसीएम 4 है, 4 × 3 = 12, नीचे वाला सबका सिंपल फॉर्म में लाने के लिए इसको नीचे वाला सबका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया 12, 2 को पढ़िए 6 × 12, 6 × 6 ठीक है, 27 को साइड में लिख दीजिए, 3 × 4 पढ़िए, 3 × 6 = 12, 4 × 2 = 8, अब देखिए 4 × 3 = 12, तो 3 × 3 = 9, सिंपल फॉर्म में आ गया। तो अब इसको देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है 27 है, चलिए इसको 6 है 6x मानिए, 8 है 8x मानिए, 9 है 9x मानिए, अब क्या बोला जा रहा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है 27 है, सबसे बड़ी संख्या है 9x और छोटी संख्या 6x, तो दोनों का अंतर 9x - 6x, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर निकलेगा 3x, इसी का मान 27 दिया हुआ है। क्या बोला जा रहा है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना 27 है, सबसे बड़ी छोटी का अंतर निकाला हम लोग 3x आ गया, 3x का मान 27 है, तो x का मान क्या होगा 9 × 9 = 27, x का मान आ गया 9, तो बोला तीनों संख्या का औसत क्या होगा, तीनों संख्या कितना आ गया, देखिए x का मान 9 है तो 6 है यहाँ, पहले देखिए तो तीनों संख्या का औसत, तीनों को जोड़िए 9 × 6 = 15, 15 × 8 कितना आ गया 23, तीनों संख्या कितना है 9 और 6 = 15, अब 15 × 8 = 23, 23x है, x का मान कितना है 9 आया है, तो 23x आया, 23 × 9 कीजिए कितना आ जाएगा 9 × 3 = 27 के 7 हाथ में रहा 2, 9 × 2 = 18, 2 = 20, 207,
207 आ गया। आप बोल रहा था तीनों संख्या का औसत हम लोग से पूछ रहा है कि तीनों संख्या का औसत कितना हुआ। तीनों संख्या को हम लोग जोड़े तो कितना आ गया, तीनों संख्या को एक किए ऐड किए तो 207 आ गया। अब तीनों संख्या का औसत पूछ रहा है, औसत कैसे निकलता है, औसत निकलता है सारा संख्या को जोड़ दीजिए, सारा संख्या को जोड़ दीजिए और जितना अंक है उससे भाग दीजिए, औसत निकल जाएगा। 207 आ गया और 207 तीन संख्या है, 207 आ गया। अब तीन संख्या है, तीन संख्या से भाग दीजिए, 207 को तीन संख्या से भाग दीजिए, क्या क्या हो जाएगा, 6 × 18 2 × 29 27 69x कितना आ गया, औसत कितना आ गया तीनों संख्या का 69। किस ऑप्शन में है, तीन नंबर ऑप्शन, यही आंसर हो जाएगा। देखें तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है ए बी से 15% अधिक है, ठीक है, ए और बी है, क्या बोला जा रहा है, ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, दशमलव के दो स्थान तक ही आंसर लेना। चलिए क्या बोला, ए जो है बी से 15% अधिक है, ठीक है, ए बी से 15% अधिक है। अच्छा बी मालूम है हम लोग को, बी कितना है नहीं मालूम है, ए बोल रहा है बी से 15% अधिक है तो बी ही हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% में होता है, तो बी को 100 मान लीजिए कोई दिक्कत, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% में होता है, बी को 100 मान लिए। आप बोल रहा था ए बी से 15% अधिक है तो 100 का 15% अधिक कीजिए तो 115 हो जाएगा, कोई दिक्कत। बी हम लोग को नहीं पता था कितना था, लेकिन हम लोग को मालूम है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% में होता है, तो बी 100 मान लिए। अब बोल रहा ए बी से 15% अधिक है, 115% अधिक की 115 हो गया, तो बोल रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा संख्या में ई में कितना कम है, देखिए तुम ये 115 है, कितना कम है, बी जो है ए से कितना कम है 15, समझिएगा आप, बी जो है ए से कितना कम है 100 है, 115 15 कम है, कितना में, इस तरह से बोलिएगा आप, ठीक है, कम या अधिक पूछे तो पहले ऊपर वही लिखिए कम वाला अधिक वाला, और नीचे इस तरह से बोलिएगा तो आ जाएगा आपका। देखिए बी 100 है, ए 115 है, कम कितना है 15 कम है, कितना में 15 कम है, 115 में 15 कम है, बी 100 जो है 115 से कितना कम है 15 कम है, कितना से 115 से 15 कम है, 115 से 15 कम है, कितना में 115 में, तो परसेंट में निकालने के लिए कोई भी चीज़ को परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है, बी जो है ए से 15 कम था 115 में तो 100 में कितना, चलिए अब काट कूट कीजिए, 5 से काटिए तो 5 × 3 = 15, देखिए 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, ठीक है, कोई दिक्कत 23 बार में आएगा, 100 को 3 बार से गुना कीजिए 300 हो जाएगा, 300 / कितना आएगा 23 हो जाएगा। अब इसको काटिए, दो अंक तक ही पॉइंट के बाद दो अंक तक ही आंसर लेना बोला है, 23 एक बार तो में तो लग जाएगा, 23 × 1 = 23, 7 रह जाएगा हाथ में, 23 × 7 = 30 होता है 70 हो जाएगा। अब कितना बार में खाएगा, 3 बार में कितना होगा, 3 बार, हाँ 3 बार में लग जाएगा, 23 × 3 कितना होता है, 23 × 3 कितना होता है, 23 × 3 हो जाएगा 69, 69 और यहाँ हम लोग 70 बचा है, 23 × 3 कितना हो जाएगा, 23 × 3 वाला ये 69 हो जाएगा, एक बचेगा हम हाथ में, पॉइंट बैठाइएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 23 × 10 तो नहीं खाएगा, नहीं, फिर 0 बैठाना पड़ेगा, तब 0 लिखिएगा, ठीक है, 100 हो गया। अब 23 हमें कितना बार मिलेगा, 23 × 4 लगाइए तो 23 × 4 कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा क्या, 4 × 12 = 2 × 13 = 1 × 2 = 8 × 9 = 92, ठीक है, 23 × 4 बार पढ़िए कितना आ जाएगा, 4 × 12 = 2 × 13 = 92, 92 तो कम है, इससे खा जाएगा, 23 × 4 कितना आ जाएगा 92, 8 बचेगा। अब इतना आगे जाना ही नहीं है, पॉइंट के बाद 2 / 2 तक में लेना है, तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा, कितना, किस ऑप्शन में, ये वाला 3 नंबर ऑप्शन है, 13.04, ठीक है, बी जो है ए से 13.04% कम है, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 110 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या सेंटीमीटर बताना। देखिए एक वृत्त का परिधि 110 ये ना, हाँ एक वृत्त का परिधि 110 सेंटीमीटर है। अच्छा वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, तो बोलता है वृत्त का परिधि 110 सेंटीमीटर है, एक 2πr का मान दिया 110, बोल रहा है वृत्त का परिधि 110 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त का परिधि फॉर्मूला क्या होता है 2πr, अब 2 × π का मान तो नहीं मालूम है तो कितना लीजिएगा 22/7 × r, ये तो r त्रिज्या तो पूछ ही रहा है, बराबर कितना 110, चलिए काटिए तो कटेगा, देखिए हाँ ऊपर ऊपर कट जाएगा, 22 × 5 = 110 डायरेक्ट, 22 × 5 = 110 कट गया, देखिए तो 2 और r को गुना कीजिए ऊपर ऊपर, 2r/7 = 7 बराबर कितना बचा 5, अब नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है,
कोना कोनी गुना कीजिए क्या हो जाएगा, दो आर बराबर 35, तो आर बराबर कितना हो जाएगा त्रिज्या 35/2, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा डायरेक्ट लिखिए 17 × 2 = 34, एक बचेगा पॉइंट बचेगा 0, 5 × 2 = 10, 34 को 2 से भाग दिए कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। वृत्त का परिधि 110 दिया हुआ था, वृत्त का परिधि था 2πr बराबर 110, सॉल्व किए r बराबर कितना आ गया 17.5, त्रिज्या कितना आ गया 17.5 सेंटीमीटर, किस ऑप्शन में है 3 नंबर ऑप्शन, यही आंसर हो जाएगा। देखिए आज का हम लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, हम आपको रोज रात 9 बजे 1 से 5 तक पहला 5 क्वेश्चन मैथ का बताते हैं जो 5 अलग अलग चैप्टर से रहता है, ठीक है। आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक रीजनिंग का बताते हैं, ये भी 5 अलग अलग चैप्टर से रहता है। आइए अब हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 6 से 10 तक। जो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है 32 है कितना 66 है, 32 66 134, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वाट क्या होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, देखिए 32 है यहाँ 66 है तो 134, तो यहाँ क्या होगा, इसको ये लिखा जा रहा है तो पूछ रहा है कि इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश क्या कीजिएगा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। 32 को 66 लिखा जा रहा है तो 134 को क्या लिखा जाएगा, देखिए आप क्वेश्चन सबको ना पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश क्या कीजिए उसके बाद देखा कीजिएगा। देखिए तो क्या होगा इसमें, 32 को क्या कीजिए जो 66 बनेगा, 32 को 2 से गुना कीजिए तो 32 × 2 = 64, 64 में 2 जोड़ दीजिए 66 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 32 को 2 से गुना कीजिए 64 और 64 में 2 जोड़ दीजिए 66 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी इस तरह से होगा, गुना 2 प्लस 2, 134 को 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 134 × 13 = 26, 260 और 4 × 8 168, कोई दिक्कत आपको समझ में, सॉरी 13 × 26 होगा 268 होगा, ठीक कितना होगा 268, 134 को 2 से गुना कीजिए, देखिए 13 × 26 = 260, 4 × 8 268 और 268 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 270, यहाँ वाट की जगह पर क्या होगा 270, 270 किस ऑप्शन में, 270 3 नंबर ऑप्शन में, बेहद आसान सवाल था, ठीक है 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है एम एन का भाई है और बी एन का भाई है, इसी प्रकार एम डी का भाई है किंतु एन डी का भाई नहीं है, एन का डी से क्या संबंध है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एम एन का भाई है, एम जो है ना एन का भाई है, बराबर का पीढ़ी है इसलिए बराबर की ओर दिखा रहे हैं। अब एम जो एन का भाई है बोले तो लड़का है, अब लड़का के लिए प्लस का यूज कीजिए चिन्ह का, लड़की के लिए माइनस के लिए, एम जो है एन का भाई है, ठीक है। और बी एन का भाई है, अच्छा बी 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 जो है बी एन का भाई है, भाई है तो प्लस कर दिए, भाई है तो बराबर का पीढ़ी और प्लस कर दिए, बी बी जो है एन का भाई है। इसी प्रकार एम डी का भाई है, अच्छा ठीक है एम जो है डी का भाई है, एम भी जो है डी का भाई है, सही बात है भाई है पल्ले पहले से ही प्लस है तो लड़का ही है, अभी प्लस हो गया, एम जो है डी का भाई है किंतु एन डी का भाई नहीं है, किंतु एन डी का भाई नहीं है, किंतु एन जो है एन डी का भाई नहीं है, समझिएगा आप लोग बात को। एम जो है एन का भाई है, बी जो है एन का भाई है, ठीक है। अच्छा एम के बारे में तो पता चल गया ये लड़का है, ठीक है, बी के बारे में पता चल गया कि ये लड़का है, लेकिन एन के बारे में कभी पता चला लड़का की लड़की नहीं पता चला। अब बोला एम जो है डी का भाई है तो आप बोला डी एन जो है डी का भाई नहीं है, जबकि आप देख रहे हैं सब तो आपस में भाई ही हैं, एन का बी भी भाई है, एन का एम भी भाई है, अब डी का भी भाई एम है, तो आखिर में तो सब भाई है, तो आखिर में ऐसा पॉइंट क्यों बोला जा रहा है कि डी एम एन जो है एन डी का भाई नहीं है, जबकि सब आपस में भाई हुई था, तो ऐसा इसीलिए बोला जा रहा है कि एन जो है डी का भाई नहीं है, तो ये फिक्स है कि भाई नहीं है तो क्या है, बहन है, समझ रहे हैं आप बात को, चूँकि सब आपस में भाई ही था ये क्यों आखिर बोला जाए, तो एम जो है इसका भाई है, ये एम एन का ही भाई है, एम डी का ही भाई है, तो एन और डी का भी भाई कुछ के रिश्ता का भाई बहन सबका ही, तो बोला एन जो है डी का भाई नहीं है तो बहन होगा ही, एन जो है डी का बहन होगा, लड़की होगा तब इसका मतलब। आगे चलिए और क्या बोलता है, एन का डी से क्या संबंध है, वही बात है बोल दिया फिर से, एन का डी से क्या संबंध है, मतलब डी एन को क्या बोलेगा, तो भाई तो बोलेगा नहीं, जबकि ये सब आपस में भाई बहन ही था, तो मतलब ये लड़का नहीं ये लड़की है, डी एन को क्या बोलेगा, ये लड़की है, अभी आपस में सब भाई बहन था तो डी एन को क्या बोलेगा, बहन बोलेगा, ठीक है। किस ऑप्शन में है,
तीन नंबर ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए तो आठ नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आठ नंबर क्वेश्चन है, राम अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है, फिर बाएं मुड़ता 25 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर चलकर स्कूल पहुंचता है, उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में। ठीक है, देखिए आपको जब भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल मिले ना, दिशा वाला सवाल, हाँ आपको ये सब चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आपको देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जब भी आपको इस टाइप का डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल मिले तो आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिए, एन ई एच डब्ल्यू, हम आपको पिछले बहुत सारा वीडियो में सब बता चुके हैं, एन ई एच डब्ल्यू याद रखिएगा, जब भी आपको दिशा वाला सवाल मिले तो। एन ई एच डब्ल्यू मतलब क्या, क्लॉक वाइज में घड़ी की दिशा में एन ई एच डब्ल्यू याद रखिए, एन बोले तो नॉर्थ उत्तर, ई बोले तो ईस्ट पूर्व वेस्ट, बोले साउथ दक्षिण, डब्ल्यू बोले तो वेस्ट पश्चिम, घड़ी की दिशा में। अब आपका जिधर मन कर रहा है आप पूरा पश्चिम उत्तर मान दक्षिण मान लीजिए, ठीक है, हम लोग नीचे ही ई मान लेते हैं, ईस्ट, ई बोले तो ईस्ट पूर्व, अब पूरब को उल्टा क्या होता है, पश्चिम होता है वेस्ट पश्चिम। अब देखिए आप पूरा पश्चिम तो मान लीजिए लेकिन उत्तर दक्षिण मानने में आप कन्फ्यूज कर जाएगा, उसी के लिए इसको याद रखा जाता है एन ई एच डब्ल्यू। अब देखिए तो ई है तो ई के बाद क्या है, एस है तब डब्ल्यू है, हम बोले क्लॉक वाइज में याद रखिए घड़ी दिशा में एन ई एच डब्ल्यू, तो ई के बाद आएगा एस, क्लॉक वाइज में आएगा ई के बाद आएगा एस तब आएगा डब्ल्यू, तो क्या हो रहा था, एन पहले हो रहा था तब ना, एन ई एस डब्ल्यू क्लॉक वाइज में बैठ गया क्या। ठीक है, ये आपको याद रहेगा ना, आपका जिधर मन करेगा आप उधर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मान सकते हैं। चलिए हम लोग का हो गया दिशा माना हुआ, आप चलते हैं आगे। राम अपने घर से 10 मिनट दक्षिण के, दक्षिण हम लोग किधर माने, इधर माने राम अपने घर से, राम का घर है ये, अपने घर से दक्षिण की और कितना जाता है, दक्षिण इधर 10 मीटर, दक्षिण की और 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर। अब देखिए इधर से आ रहा है तो ऊपर हो जाएगा दाएं और नीचे होगा बाएं, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, कोई दिक्कत, दक्षिण की ओर गया फिर बाएं मुड़ा, ऊपर दाएं हो जाता नीचे बाएं होगा, बाएं मुड़ा 25 मीटर चला, फिर से बाएं मुड़कर 40 मीटर चला। अब देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो उधर बाएं होगा इधर दाएं होगा, फिर से बाएं मुड़ा और 40 चला। ठीक है, तो इसके सामने देखिए 40 है पूरा, चलिए 40 चल गया। अब देखिए उसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर, अच्छा चलिए उसके बाद दाएं मुड़ा इधर, दाएं इधर है, इधर से अब आ रहा है तो नीचे दाएं होगा ऊपर बाएं, दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, कोई दिक्कत, 5 मीटर चल के स्कूल पहुंच जाता, अच्छा यहाँ स्कूल पहुंच गया, यहाँ पे वो स्कूल में पहुंच गया, ठीक है कोई दिक्कत, स्कूल में पहुंच गया, चलिए घर से चला था। अब क्या बोल रहा है, उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, अच्छा उसका घर यहाँ पे था, स्कूल यहाँ पे है, उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, तो घर में आप ये करिए इस तरह चिन्ह काट लिए, घर में, घर यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, चलिए तो बोल रहा है स्कूल उसके घर से किस दिशा में, इस दिशा में है, इधर ही है, ये दिशा क्या है, ये दिशा क्या है, इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट, इसी के बीच में है ये दिशा, उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, नॉर्थ और ईस्ट के, कितना, उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब हो जाएगा आंसर, किस ऑप्शन में है, तीन नंबर ऑप्शन में है, उत्तर पूरब हो जाएगा आंसर। देखिए तो नौ नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, नाइन नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया सकता, क्या दिया हुआ है, आर ए एन के आई एन जी, ये दिया हुआ है, बोला क्या, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका प्रयोग करके ये नहीं बनाया सकता, इसका मतलब क्या हुआ, चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें पूरा पूरा इसका अक्षर इसमें पूरा पूरा नहीं है। इसमें दो तरह के सवाल पूछता है, एक पूछेगा बनाया जा सकता है, एक पूछेगा नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है मतलब क्या होगा, चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन रहेगा जो इसका पूरा पूरा अक्षर यहाँ पर रहेगा, और नहीं बनाया जा सकता का मतलब क्या है, ऐसा चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इसके जिसका पूरा पूरा अक्षर यहाँ पर नहीं है, हम लोग को पूछ रहा है नहीं बनाया सकता मतलब क्या हुआ, चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका पूरा पूरा अक्षर यहाँ पर नहीं है, चेक करते हैं। देखिए पहला नंबर आई एन के, आई बी है एन बी ए के है, इसका तो पूरा पूरा अक्षर है, हम लोग देखना है ऐसा जिसका पूरा पूरा अक्षर यहाँ पर नहीं रहे। दूसरा आर ए आई एन, ये भी पूरा पूरा है। तीसरा के आई एन जी, ये भी पूरा पूरा है। तीन गो ऑप्शन नहीं हुआ, चौथा ऐसे आंसर हो जाएगा। चार नंबर हम लोग चेक भी करते, चार नंबर ऑप्शन क्या है, ए सी टी आई एन जी, चलिए इसको चेक कीजिए, ए और सी, ए सी है, सी ए तो नहीं है, सी देखिए तो सी कहीं है, यहाँ तद्रूप में सी कहीं आपको दिख रहा है, सी कहीं नहीं है, टी भी नहीं है, यही तो पूछा जा रहा था हम लोग से कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका पूरा पूरा अक्षर यहाँ पे नहीं है, ये चार नंबर हो जाएगा ना, इसका यहाँ पे सी है और ना यहाँ पे टी है, आंसर क्या है हम लोग का, चार नंबर ऑप्शन।
देखिए तो दसवां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दसवां नंबर क्वेश्चन है पांच किताबें ए बी सी डी और ई है, किताब सी ऊपर है, किताब डी के, किताब ई नीचे है, किताब ए के, डी ऊपर है ए के, किताब बी नीचे है ई के, कौन सी किताब सबसे नीचे है, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबको पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। देखिए तो क्या बोला है, पाँच किताब ए है, बी है, सी है, डी है और क्या ई है, ये पांच किताब है। आगे क्या बोल रहा है, किताब सी ऊपर है किताब डी के, अच्छा सी जो है ऊपर है किताब डी के, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। किताब ई नीचे है किताब ए के, अच्छा ई नीचे है किताब ए के, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। ए के किताब ए के, डी ऊपर है ए के, अच्छा डी जो है, अब देखिए आप डी ऊपर है ए के, आ सी से डी नीचे था ई दोनों, अब डी बोल रहा है ऊपर है ए के, तो डी यहाँ बचेगा बैठेगा, अब डी यहाँ बैठेगा सी ऊपर में यहाँ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत समझने में आपको। देखिए बोला था सी डी जो था सी के नीचे था तो यहाँ पे लिख दिए थे, अब ए जो है ई के ऊपर था यहाँ था, अब बोला डी ए के ऊपर तो यहाँ बैठ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, किताब बी नीचे है ई के, अच्छा किताब बी जो है ई के नीचे है, सब हो गया। पूछा क्या क्या जा रहा है, कौन सी किताब सबसे नीचे है, सबसे नीचे कौन सी किताब है, बी, सबसे नीचे कौन सी किताब है, बी, किस ऑप्शन में है, देखिए तो तीन नंबर ऑप्शन, तीन नंबर ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको रोज रात 9 बजे 1 से 5 तक पहला 5 क्वेश्चन मैथ का बताते हैं, ये पांचों क्वेश्चन 5 अलग अलग चैप्टर से पूछा रहता है, आखिरी के 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक रीजनिंग का बताते हैं, ये भी 5 क्वेश्चन रीजनिंग का 5ों अलग अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग समझिए ना, आप लोग रोज रात 9 बजे समझे ना, मेरे साथ 10 चैप्टर सॉल्व कीजिए, 5 मैथ का और 5 रीजनिंग का, आपका डेली प्रैक्टिस भी होता रहेगा, ठीक है। देखिए आप लोग क्या कीजिए, 9 बजे रात में मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, 10ों क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखा कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।